पाकिस्तान में किसने गांधी माशाल्लाह क्या करते हैं वहाँ घूमते रहते हैं कोई काम तो नहीं है काम खत्म कर दिए अच्छा तैयार हो गए नहीं तो अभी इस वक्त अभी कुछ नहीं करते कर रहे हैं मछली उतरवा ये एहराम है हाँ ये एहराम हाजी वारी से भी चल रहा है इसका है हाजी वारी से भी जेवे में ये कौन है जेवे में नकलों में तीर है कहाँ जेवे में लखनऊ के पास लखनऊ इंडिया तीर है या थे थे अच्छा उनको तो बैग वगैरह तो कौन हो गए तो उन लोग के मरीज हो गए आप उनके मरीज हैं तो आपको तो डेढ़ सौ साल आप तो देखे नहीं उनको दुनिया जगह मगर जो लोग देखा उन्होंने उनको दिया कपड़ा ये अभी कौन है जिन्होंने दिया है आपको कपड़ा आप उनके मुरीद हैं वो तो इंडिया में इंडिया में आप पाकिस्तान में आप मिले हैं उनसे मिले अभी 2015 में थे तो ये हमेशा एहराम में रहते हैं हमेशा हमारे लिबास ही यही क्योंकि आपके पीर साहब हमेशा इसी लिबास में रहते हैं अच्छा यानी उन्होंने हम लोग सिला कपड़ा नहीं पहन सकते नहीं पहन सकते कभी नहीं शादी में भी नहीं पहना जब लिबास लिया तो फिर नहीं पहन छोड़ गए उससे पहले सब पहनते पदलून पहनते थे कोटी पहनते पदलून पहनावा सब पहनते लेकिन अब चूंकि आपके पीर ने पूरी जिंदगी सिला कपड़ा नहीं पहना तो आप भी चल रहे आपका नाम क्या है शेख लाल मोहम्मद भाई आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं है ना तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मफहूम ये है कि इबादत के लायक नहीं कोई सिवाय अल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के रसूल तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जो तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है अपने को उस तरीके पे चलना है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला हुआ कपड़ा पहनते थे हमेशा और जब हज उमरा करते तो बगैर सिला हुआ कपड़ा पहनते थे और जब हज उमरा हो जाता तो फिर उसके बाद सिला हुआ कपड़ा पहन लेते थे तो आप एक मिनट अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ अगर कोई चले तो वो पीर कैसे होगा वो रहबर कैसे होगा और रहनुमा कैसे होना है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला हुआ कपड़ा पहनते थे हमेशा और जब हज उमरा करते तो बगैर सिला हुआ कपड़ा पहनते थे और जब हज उमरा हो जाता तो फिर उसके बाद सिला हुआ कपड़ा पहन लेते थे तो आप एक मिनट अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ अगर कोई चले तो वो पीर कैसे होगा वो रहबर कैसे होगा और रहनुमा कैसे होगा।